पंजाबी की थोड़ी देर गुफ्तगु बर्दाश्त कर सकोगे? बेशक बेशक। तो कितने लोग सुनने के मूड में हो, जरा हाथ उठा लो। माशाल्लाह, आप लोग खड़े हो, मैं जान रहा हूं किसी मजबूरी के तहत। तो अब अगर सुनने का मूड है तो जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा पढ़ लें। अल्लाहुम्म सल्ली अला सल्लल्लाहु अला नबी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इश्क और आशिकी के दावे रोज सुनते हैं, लेकिन सदाए दुरूद से आपके इश्क की ऊंचाई नाप ली गई। अगर सही इश्क है तो बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्म सल्ली अला सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लू अलैहि सलातन तदुम बिदवामिल मलकिल हय्यिल क़य्यूम। मेरे ख्याल से शायरी इस्लाम जनाब ज़ीशान मथुरावी साहब और मद्दाहाने खैरुलनाम नायाबो मंज़र का आपने कलाम सुन लिया। मेंबर शरीफ पर एक अच्छा खासा इज्तमा था, ज़ी असर ज़ी सलाहियत ज़ील मौलमाए इकराम का, लेकिन आधी रात बीत जाने के बाद हर शरीफ आदमी बिस्तर ढूंढता है, और मेरी जमात जब रात बुढ़ापे की उम्र में आती है तो जवान करने की कोशिश करता है। बलियावी की गुफ्तगू में ये नहीं मिलेगी कि जन्नत की चाबी ले लो। तवज्जो चाहूं, सुन सके, बर्दाश्त कर सकते हो तो सुन लीजिए। और आजकल तो दुकानें खुल गई हैं जन्नत की, जिनकी अपनी गारंटी नहीं वो बांटे जा रहे हैं। मैं भी सोचता था कि एक जन्नत खरीद लूं, लेकिन आंखें ढूंढती है कहीं बहलोल दाना मिले जब तो खरीद। बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आहा सुभान अल्लाह। लेकिन अगर है भी बहलोल दाना तो शहरों की बेशर्मी से खुद को अलग रखा है। दावतें तो खूब दी जाती है, लेकिन खाने से पहले ये थोड़े ही कोई पूछता है कि आपका कारोबार क्या है। और बाद में खुद ही कहते हैं कि दुआएं रोज करता हूं, कबूल क्यों नहीं होती। बलियावी उस वक्त से आ रहा है तपशिया में जब बलियावी की रेखें निकल रही थी और देखकर बेपनाह खुशी भी हुई, एहसास भी हुआ, उम्मीद भी बधी कि मेरे गरीब नवाज की आज बज्म उन नौजवानों ने सजाई है जो 30 साल से कम वाले। मैंने तपशिया के उस दौर की गरीबी भी देखी है जहां सिर्फ टाली ही टाली का मकान था। मोहल्ले में आसमान छूती बिल्डिंगें तो हो गई, लेकिन माफ करना तपशिया वालों, तेरी बिल्डिंगों से कोई अच्छा आईएएस या आईपीएस नहीं निकल पाया है। जलसे भी हुए हैं, जुलूस भी निकला है, सत्ता भी बदला है, लेकिन नहीं बदली है तो मेरी कौम की नस्लों की सूरत नहीं बदली है।
और अपनी कौम के मुस्तकबिल की बात करना भारत में अगर जुर्म है तो बलियावी ये जुर्म दिन में 5 मरतबा करता है। इसलिए कि मैं जानता हूं मेरे ख्वाजा के 1.5 हाथ के भारत में, नहीं समझ में आया हो तो जोर से बोल दो, समझा दूंगा। जोर से सुभान अल्लाह, धक्का ना देना पड़े, जोर से सुभान अल्लाह, अरे जोर से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। राम मुशर्रफ साहब, मेरे ख्वाजा के 1.5 हाथ के भारत में जब हम हुक्मरान थे तो साइज बहुत लंबा था। अगर समझ सकते हो तो बोलना, वरना मैं मरी हुई लाश पीटकर जिंदा करने के लिए जिंदा नहीं हूं। बलियावी जिंदा अब इसलिए रखा जा रहा है कि वक्त से पहले हमें मारे न जाएं। सुन सकते हो तो सुन लीजिए। अच्छा, जब आ गए हैं तो निकाल लो। हाँ, इमरजेंसी भी तो होती है ना। तो क्या इरादा है, सुनने का मूड है तो सारा मजमा एक बार बोल दे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, दोनों हाथ उठाकर हो जाए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा अपनी औलादों की घुट्टियों में पिलाते रहना, ये डायलॉग नहीं है, निजात की कुंजी है। ये सिर्फ नारा नहीं है, कब्र की तारीकियों में उजाला भी है। ये सिर्फ नारा नहीं है, पुल सिरात से सुकून के साथ गुजरने की सबील भी है, सहारा भी है। आज पूरी दुनिया, अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब रिसर्च कर रही है, अल्लामा मुशर्रफ साहब देखेंगे, हजरत मैं नाम भूल गया हूं, प्लीज माफ करेंगे, हजरत मुफ्ती फैयाज साहब कबला, सुभान अल्लाह, हजरत अल्लामा मुफ्ती एहतशाम साहब। अफसोस है कि बलियावी को उस वक्त बुलाए हैं जब आधी रूह मेरी कौम की निकल चुकी है। बरकैफ, समाप्त कर लें, और बलियावी की गुफ्तगू का यह हिस्सा आंख खोल करके भेजा ठीक है, आदमी का है तो सुन लीजिए। आज पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा, किस पर? पूरी दुनिया में रिसर्च इस बात पे नहीं हो रहा कि इंडिया के मुसलमान कल तक छप्पर में थे, आज छत में कैसे आ गए। आज पूरी दुनिया में रिसर्च इस बात पे नहीं हो रहा कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन पहले होता था, आज कम हो गया। क्या हुआ? बस 10-15 मिनट, अबे बाहर का चोंगा काट दो। अरे ये कोई जरूरी थोड़ी, पूरी कलकत्ता को सुनाओगे, सुनने वाले जो हैं वो आ गए हैं। मैं ठीक है, थैंक यू दादा, थैंक यू, मैं आपका सहयोग करूंगा। आप लोग इधर आओ, ए नौजवान पार्टी चलो इधर आओ। अरे जब मैं बैठा हूं तो तू काय परेशान हो रहा, चल
सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। अपने लोगों में से क्या पूरी रात के लिए थोड़ी है बाबू? साउंड पॉल्यूशन एक बड़ा क्राइम है, जो नहीं जानते वो कुछ भी कर ले। तो मैं क्या कह रहा था, पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है। किस बात का? सुनो गौर से। 10 जिल्द किताबें पढ़ोगे तो शायद ये गुफ्तगू नहीं मिलेगी। रिसर्च इस बात पे नहीं कि मुसलमान इकोनॉमिकली कितना ऊपर उठा, नहीं। रिसर्च इस बात पर भी नहीं कि कितने मुसलमान खत्ते अफलास से बाहर निकल गए, रिसर्च इस पर भी नहीं कि कल तक जो मुसलमान टाली के मकान में था, बाड़ी में था, अब वो अपार्टमेंट में कैसे आ गया, इस पर भी नहीं। रिसर्च इस बात पे हो रही कि हुकूमत के खजानों का इस्तेमाल करके, वर्दी और पावर का इस्तेमाल करके, सत्ता से गुंडा परवरिश करके मकान जलाए मुसलमानों के, दुकान फूकी मुसलमानों की, बेटे शहीद हुए मुसलमानों के, जले हुए मकान की राख पर बाप आंसू गिरा करके अपने दिल को मना लिया कि जिस मुस्तफा के सदके कल बनाया था उसी रसूल के सदके फिर बना लूंगा। तवज्जो चाहूं, रिसर्च इस बात पे हो रही, बेटा मार दिया, मॉब लिंचिंग कर दिया, दुकान फूंक दी, रोटियां छीन ली, आखिर वजह क्या है कि इतना होने के बाद भी मुसलमान अपने रसूल से अलग क्यों ना हो सका? अगर बात समझ में आ रही है तो बोलना, ऐसे नहीं समझ में आवे तो। मुसलमान अलग क्यों नहीं हो रहा? सब कर दिया फिर भी नबी से अलग ना हो, बेटा से बाप अलग हो गया नबी से अलग ना हो सका, भाई से भाई अलग हो गया लेकिन रसूल से अलग ना हो सका, आखिर वजह क्या है? वजह क्या है तो सुन। जिस्म में कई हिस्से हजरत, जिस्म में कई हिस्से, हाथ भी है, जबान भी है, सर भी है, आंखें भी हैं, हार्ट भी है, दिल भी है, पैर भी है, कान भी है, सब है। सब हो, हाथ भी हो, पैर भी हो, दिल भी हो, आंखें भी हो, शऊर भी हो, सब हो, रूह ना हो। तवज्जो चाहो, रूह ना हो। है कोई मेडिकल साइंस का डायरेक्टर? है कोई मेडिकल साइंस का डायरेक्टर जो रूह के बगैर हाथ को फंक्शन में ला दे, रूह के बगैर दिल को फंक्शन में ला दे? मेडिकल डिपार्टमेंट दम तोड़कर चीख पड़ेगा। फंक्शन में उसी वक्त लाया जा सकता है जब रूह बाकी हो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। मौलाना, टूटे हुए का रिपेयर होगा, मरे हुए का रिपेयर नहीं होगा। तवज्जो चाहूं, टूटे हुए का रिपेयर होगा, मरे हुए का रिपेयर नहीं होगा। टूटे हुए को जोड़ा जाएगा, मरे हुए को नहीं जोड़ा जाएगा। मरे हुए को जोड़ा नहीं जाएगा। मैंने मेडिकल साइंस से पूछ दिया, बता, हाथ भी है, आंखें भी हैं, सर भी है, दिल भी है, किडनी भी है, सब है, रूह नहीं है,
हाथ रहकर काम क्यों नहीं कर रहा, जबान रहकर बोल क्यों नहीं रही, आंखें रखकर दिख क्यों नहीं रही, सर रह करके हिल क्यों नहीं, पैर रखकर चल क्यों नहीं। तो जिस्म का हर हिस्सा बोल पड़ा, सुन सुन सुन, तेरे वजूद में जिंदगी के लिए रूह का होना जरूरी है। अगर रूह नहीं तो सब बेकार, अगर रूह नहीं तो सब बेकार। यहीं से पूरी दुनिया ने समझ लिया, अब नतीजा समाप्त कर लो। रूह के बगैर जिस्म के हर हिस्से बेकार, रसूल के बगैर हर इबादत बेकार। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, नारे तकबीर। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फर्ज हो नबी ना हो, सुन्नत हो नबी ना हो, वाजिब हो नबी ना हो, काबे का तवाफ हो नबी ना हो, तहज्जुद हो नबी ना हो, तो जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम के नहीं, उसी तरह नबी के बगैर हज किसी काम के नहीं, नमाज किसी काम के नहीं। नमाज की हयात नबी से है, काबे का तवाफ नबी से है, मसावात की रूह रसूल से है। रसूल नहीं तो कुछ नहीं, रसूल नहीं तो कुछ नहीं। तब तेरे बलियाबी ने इसी भारत में ललकार कर कल भी कहा था, भी कह रहा हूं, मेरे नबी के नामूस पर पत्थर मारने वालों, मोहब्बत से बोल लो, ऐसे नहीं जोर से बोल लो। सुभान अल्लाह, मैं क्या अर्ज कर रहा था, नबी के नाम, मेरे नबी के नामूस पे पत्थर मारने वालों, जिस शहर में तुम एक्शन में आओगे उसी शहर में रिएक्शन होगा। उसी शहर में रिएक्शन होगा। जब सिर्फ नामे करबला की गर्मी इतनी है, क्या बात है, क्या बात है, तो करबला वाले निकल जाएंगे तो कहां जाओगे। वाह क्या बात है, अब जरा सा पीछे पलट लो। दुनिया ने बहुत कोशिश किया रोक दो इस्लाम को, हुकूमत लग गई रोक दो इस्लाम को, खजाने खोल दिए रोक दो इस्लाम को। बलियावी कहता अकल के टूवरो, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। इस्लाम हुकूमत के खजानों से नहीं चला है, समझ रहे हो तो बोलना, समझ रहे हो तो बोल लेना। तवज्जो चाहूं, अमा ये वो किसी और का मजहब होगा जहां हुकूमत के पैसों से दिया जलता हो। हम हुकूमत के पैसों से दिया नहीं जलाते, हम अपने खूने जिगर की कमाई से 12 रबीउल नूर को चरागा करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए कि मैं उस खुदा का बंदा नहीं, मेरा माबूद वो नहीं जो किसी की जमीन कब्जा कर ले, मेरा माबूद वो नहीं जो किसी की जमीन कब्जा कर ले। जब माबूद ही गासिब हो,
ये नहीं समझ में आएगा। तो भक्तों को हक कहां से देगा? इधर वाले तो कुछ समझ गए, इधर वाले पता नहीं कुछ समझे कि नहीं। सुभान अल्लाह सुभान। तो समझ रहे तो डरे डरे क्यों? नहीं 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 नहीं, देखो धक्का दे करके हुकूमत चलाई जा सकती है, बलियावी से तकरीर नहीं कराई जा सकती। इसलिए कि बलियावी उसी मंडी को मुंतखब करता है जहां कुछ पहचान वाले हों। बरकैफ, हम विश्व गुरु वाले देश में रहते हैं, क्या बात है साहब, तवज्जो चाहूं, विश्व गुरु कमाल है हमारे भारत का, तो इस मामले में कोई जोड़ी नहीं। जो अपने सर का बोझ ना बर्दाश्त करे वो यूपी का लोड लेके घूम रहा। और जो बीवी का बोझ ना बर्दाश्त करे वो भारत लेके घूम रहा। लेकिन वारे मेरे ख्वाजा, क्या बात है, सारे गरीबों का बोझ लिए आराम से लेटा हुआ। वाह क्या बात है, वाह अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, क्या बात है। यानी क्या पागलपन है, अकीदतों से नफरत, अकीदतमंदों से नफरत, वफादारी की चादर भी भेजेंगे। नहीं पहुंच पाए यार, अब का चाहते हो, बंडी उंडी सब खोल दो? मैं शरीफ आदमी हूं, तवज्जो चाहो। स्क्रिप्ट तैयार कर दी गई, नोटिंग हो गई, ड्राफ्ट कंप्लीट, अब रोक लिया जाएगा इस्लाम को। बैठ जाइए, आगे तशरीफ लाइए। जीशान बाबू, स्क्रिप्ट तैयार, अब इस्लाम को रोक लेंगे, मक्के से आगे नहीं बढ़ने देंगे, मदीने में नहीं दाखिल होने देंगे, मदीने में आ गया लेकिन हिजाज नहीं जाने देंगे, हिजाज तक पहुंच गया मिस्र में नहीं घुसने देंगे, मिस्र में आ गया टर्की नहीं जाने देंगे, टर्की में आ गया स्पेन में नहीं दाखिल होने देंगे। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, मूर्छा बंदियां होती रही तब बलियाबी कहता है कहां यूनिवर्सिटी वालों, आओ तो आज तुझको रजा की चटाई वाला तेरी औकात बताता। अरे जिस हिंद की बात तू आज कर रहा है, आज ये हिंद तेरे बाप की सोच नहीं है। 1400 बरस पहले मेरे नबी ने कहा था हिंद से इस्लाम की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। यानी जिस जुमले को लेकर आज तुम टीवी पर डिबेट करा रहे हो, तुम्हारे यहां कोई पैदा ना हुआ था। और सुन, ये हिंद तेरे बाप का नाम नहीं रखा हुआ है, रसूले पाक का इंतखाब किया हुआ। हाँ हाँ, क्या बात है। और जिसका इंतखाब नबी कर दे
उसे कोई बर्बाद करने वाला पैदा नहीं हुआ है। हाँ हाँ, जब जब तूने बर्बाद करने का नक्शा बनाया है तो बचाने के लिए कोई बाबा निकल कर नहीं आया है, बचाने के लिए कोई ख्वाजा निकल कर आया। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या तारीख यही है। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन गैरों से निपटने के लिए बलियावी को 2 मिनट नहीं लगता, बलियावी को तो अपनों ने पत्थरों से जख्मी किया रे। कभी कभी अल्लामा रब्बानी सोचता हूं तन्हाइयों में, मेरे अल्लाह कल वाली गरीबी हमें फिर दे दे, वो गरीबी दे दे मौला, कच्ची पक्की आधी रोटियां खाते थे लेकिन ईमान बचा हुआ था। मेरी मां मुझको खेदड़े पर सुलाती थी लेकिन मां के दूध की गैरत बची थी। मेरी बहन पैबंद का लगा हुआ कपड़ा पहन लेती थी लेकिन हया बाकी थी। आज मखमल के लिबास में रह करके भी बेटियां नंगा हो गई, बेटियां नंगा हो गई। अच्छी खुराक खा करके, बिरयानी और अच्छी गिजा खा करके मेरा बच्चा आवारा हो गया। कल टाली और छप्पर में वो ईमान की खुशबू थी कि किले वाले भी गुजरते थे तो 10 मरतबा सोच लेते थे कि मैं जिन कूचों से गुजरूंगा उन कूचों में कोई हुक्मरा तो नहीं लेकिन नबी का गुलाम रहा करता है। मेरी अजीज, 12 दिसंबर को पूरे बंगाल के उलमाए कराम इसी कमरहट्टी में जमा हुए थे और मैं शुक्रगुजार हूं मजलिस उलमाए इस्लाम का और इदारे शरिया मगरबी बंगाल के जिम्मेदारान का, खास तौर से फाजिली ग्रामी अल्लामा रोशन जमीर का, हजरत अल्लामा सैफुल्ला आलिमी का। 12 दिसंबर को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक सर जोड़कर उलमा बैठे रहे। इस वक्त हमारे सामने 2 चुनौतियां हैं। बलियाबी की बातें कुछ लीडरों को बुरी लग सकती है, लगे, मेरी सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, इसलिए कि मैंने हुक्मरानों की तोता चश्मी देख लिया है। कब तक मेरी बेटियों को नकाब में लावारिस देखकर जमानत सीटियां बजाएगा? कब तक मेरी औलादों को जिहादी कहा जाएगा? कब तक मेरे बच्चों को बगैर किसी सबूत के दहशतगर्द बना दिया जाएगा? अदालतें चुप हैं, अदालतें चुप हैं, न्यायपालिका खामोश है, और तुम जिसे अपना हमदर्द समझते हो माफ करना, उसको सिर्फ तेरे वोट से मतलब है, तेरी औलादों से नहीं है। औलाद तेरी है तो फिक्र तुझको करनी होगी। तब बलियावी इस नतीजे पर पहुंचा है बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा में। अब तक मेरी कौम बुलाई है तो उलमा आए हैं, अब उलमा बुला रहे हैं तो लाखों लाख मेरी कौम का जवान आ रहा। वाह सुभान अल्लाह। ईद बाद से बंगाल में हम लोग दाखिल होंगे। बताओ कमरहट्टी में जितनी बड़ी आबादी है, अगर हर घर से एक आदमी निकल जाए ना तो 1.5 घंटे के बाद कोलकाता से लेकर दिल्ली के तार मुंह से मुंह मिलने लगेंगे। मुंह से मुंह मिलने लगेंगे। बलियावी को तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया कि देखो ये कब कहां जा रहा, क्या कर रहा।
लेकिन बलिया भी किसी अहरे गहरे का पाला हुआ नहीं है रे, वो कादरी फकीर था। वाह वाह क्या बात है, क्या बात, जो हर जंग अपने आंसुओं से जीत लिया करता था। मुसलमान तूने रोना छोड़ दिया है ना, तो जमाना तुझ पर हंसने लगा है। जिस दिन फिर तू रोना शुरू कर देगा ना, तो याद रख जमाना चीखने लगेगा। जब जब नबी वाले रोए हैं गुंबदे खजरा की दुहाई देकर, जब जब मुस्तफा वाले रोए हैं अपने रब की रहमतों को मनाने के लिए, जालिम हुक्मरान चीख पड़े ये कहर की लाठी कब किधर से आई। तब बलिया भी कहता, सुन मैं मुरंडम और दरखास्त लिखकर हुक्मरानों के दरवाजे मत रोवो, एप्लीकेशन लिखकर हुक्मरानों के दरवाजे मत रोवो, वरना तेरी नस्लों को बुजदिल और कायर समझा जाएगा। अगर रोना है तो मुस्तफा को वसीला बनाकर खुदा की बारगाह में रोबो। जब वहां तेरे आंसू गिरेंगे सिसकियां निकलेगी, सिसकियां निकलेगी, याद रख तपसिया की बाड़ी और अपार्टमेंट में रात की तन्हाइयों में सिसकियां तेरी निकलेगी, वकालत गुंबदे खजरा से शुरू हो जाएगी। वाह, वकालत गुंबदे खजरा से शुरू हो जाएगी, और जिसकी वकालत मुस्तफा कर दे, जिसकी वकालत मुस्तफा कर दे, कौन है जो नहीं मानेगा। अल्लाह अकबर, गैरों में कोई दम नहीं धरे। मैं जानता हूं कि कोलकाता के गली गली में क्लब है। अल्लामा मुशर्रफ साहब गली गली में क्लब है, लेकिन मेरे क्लब के बच्चों को टीवी की आवाज सुनाई देती, मेरी कौम की गरीब बेटियों का दर्द नहीं सुनाई देता। क्लब में बैठने वाले हुक्मरानों की बात सुनाई देती, मेरे आलिमों की आवाज सुनाई नहीं देती। क्लब में बैठने वालों को शराब की बोतलों की कॉर्क की आवाज सुनाई देती, किसी यतीम की आह सुनाई नहीं देती। हमने कोशिश किया है, अल्लामा रब्बानी साहब सारे लोग लगे हैं, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, जो आज का हिंदुस्तान है 10 साल के बाद ऐसा नहीं रहेगा। हमारे बच्चों को संभलने का मौका लोग नहीं देंगे, इसलिए वक्त रहते हुए अपने आप को सिर्फ दो काम कर लो, सिर्फ दो काम, निकाह को सस्ता कर दो, निकाह को सस्ता कर दो। तुझको पता नहीं है रे, मुझसे पूछ, मुझसे, तेरे बलिया भी ने रोज रोज क्या क्या झेला है, मुझसे पूछ। आने वाले 10 साल के बाद भारत का 30% मुसलमान भूमि विहीन हो जाएगा, जमीन का कोई टुकड़ा उसके पास नहीं बचेगा। अगर जमीनों के बिकने की रफ्तार यही रह गई, और जब जब मेरी मिल्लत और मजहब पर आग आई, पत्थर गिरा है ना, कोई डॉक्टर आगे नहीं निकला, कोई इंजीनियर मैदान में नहीं उतरा, किस यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर सर पे कफन बांध कर मैदान में नहीं आया, लेकिन मेरे अजीज जिन आलिमों को तुम बड़ी गिरी नजर से देखते हो ना, जब मेरे मजहब और मेरी नस्लों पर जुल्म का पानी सर से ऊपर बढ़ता है,
तो मेरा आलिम अपने अमामे को कफन बांध बनाकर मैदान में तुरंत उतर जाता है। और अल्लामा शरफुद्दीन साहब, मेरी कौम क्या गजब की चीज है साहब, क्या गजब की चीज है मेरी कौम, बर्बादियों के बादल जब आते तो सबसे पहले मेरी कौम पूछती मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इमाम साहब लोग, जमीर मरा नहीं है तो कड़वा घोट पी ले। गलती से मेरे इमाम ने अगर अपनी तकरीर में कहीं बात कर दी सियासत की तो मत पूछो, इलाके के 150 फीट गली के जितने हीरो हैं मेरे आलिम को आंख दिखाने निकल आते। याद रखना तेरे भी दिन बहुत लंबे नहीं हो गए, वो भी दिन लौटेगा, इसलिए कि बलियावी और इदारी शरिया का एक मिशन है कि 15 साल की उम्र वालों को संभाल लो, 150 साल तक मेरे मजहब को कोई आंख नहीं दिखा पाएगा। 15 साल वाले को सेफ कर लो, 150 साल तक कोई माई का लाल आंख नहीं दिखाएगा। और आज अगर 15 साल वाला बिगड़ गया तो 10 साल के बाद तुझे सहारा देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। ये जनरेशन कैलकुलेशन का इशू है। रोक लो इस्लाम को, नक्शा तैयार, इस पैन में जाने मत दो, मक्के से निकलने मत दो, मिस्र में दाखिल होने मत दो, हिजाज तक पहुंचने मत दो। बलियावी कहता है कुफर की हवेली में रहने वालों, इस्लाम वो पानी है जो नीचे जाकर भी ऊपर आया जाया करता है। इस्लाम वो पानी है जो नीचे जाकर भी ऊपर आता है। जब तेरे दौर में कुफर का सूरज निकला था तो तूने कुस्तुंतुनिया को तहस नहस करके और अपने कब्जे में ले लिया था। तेरे कैलेंडर की तारीख 23 में कंप्लीट हो गई, नहीं पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए, चूंकि पढ़े हो तब ना। जो कौम अपने बाप दादा की आजादी की जंग की तारीख ना पढ़ी हो वो कौम वर्ल्ड कैसे पढ़ लेगी। जो कौम अपने मजहबी रहनुमाओं की दीनी खिदमात ना पढ़ी हो वो कौम अपने मुस्तकबिल कैसे पढ़ लेगी। रोक लिया जाए इस्लाम को, इस पैन में आने मत दो, हिजाज में दाखिल होने मत दो। गरीबों की जमात है, गुर्बत में दम तोड़ देगी। गरीबों का काफिला है, गरीबी में खत्म हो जाएगा। गरीबों का काफिला है, गुर्बत में सिमट जाएगा। गरीबों का काफिला है, गरीबी की बात करके नेस्तो नाबूद हो जाएगा। लेकिन उन बेवकूफों को क्या पता कि ये उस नबी के गुलाम हैं, ये उस रसूल के गुलाम हैं, ये उस मुस्तफा के गुलाम हैं, कि वो इशारा कर दें ए पहाड़ सोना हो तो सोना हो जाएगा, वो कह दे ए पहाड़ चांदी हो तो चांदी हो जाएगा, उसे क्या पता। लेकिन 100 साल बीत गए, अब फिर तुर्की ने मुस्कुराकर कहा है कि 100 साल का पुराना हिसाब चुकता करने आ रहा हूं। बोल सकते हो तो बोल लो, बोल सकते हो तो बोल लो, जोर से बोल सकते हो तो बोल लो। अब पूरी दुनिया लगी हुई है कि इसको रोको, रोको, चमत्कार दिखाकर रोको। समझ सकते हो तो समझ ले, चमत्कार दिखाकर रोक सकते हो तो रोक लो। क्या गजब है साहब, हजरत क्या मेरा भारत है साहब, जोड़ नहीं है। मौलाना गुलाम रब्बानी साहब आज तक लिस्ट फाइनल न हो सकी कि अम्मा कितनी है।
समझ में आया कि नहीं आया? आज तक समझ में लिस्ट फाइनल नहीं हुई सकी कि अम्मा कितनी है। मेरी तो एक ही अम्मा है, हर शरीफ की एक ही अम्मा होती है, हर अच्छे खानदान वाले की एक ही अम्मा होती है। कमाल है साहब, माँ कहते भी हैं और दूध बेचते भी हैं। तब बलियावी ने कहा था, या तो माँ कहना बंद करो या दूध का व्यापार बंद करो। इसलिए कि हम माँ का दूध पीते हैं, बेचते नहीं हैं। सिर्फ दो काम कर दो, निकाह को सस्ता कर दो, निकाह को सस्ता कर दो, और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। अरे तुमने किसी पार्टी वाले को 45 साल दिया, किसी को 30 साल दिया, किसी को 10 साल देने जा रहे हो। बलिया भी तुमसे सिर्फ 5 साल मांगता है, सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल। निकाह को सस्ता करके इसी पैसे को बच्चों की तालीम पे लगा दो। ये जो 15 साल वाला है ना, 20 साल होते होते वो लकड़ी को कलम बना लेगा, उंगली को खंजर बना लेगा, उसकी आंखों की चमक के सामने कोई हुक्मरा टिक नहीं पाएगा। लेकिन क्या गजब की बात है साहब, अल्लाह मुशर्रफ साहब, यानी सच्चर कमीशन की रिपोर्ट दिखाकर मुसलमानों के मोहल्ले में वोट सब ले लेते हैं। कमीशन बनाए वही, रिपोर्ट लिए वही, दिखाते हैं वही। अमेरिकी कौम कितनी बड़ी अकलमंद है, कहती है कि साहब वो रिपोर्ट दिया है मेरे बारे में, तेरी नस्लों की तस्वीर बिगाड़ी किसने रे, कभी सोचा? तेरी नस्लों की तस्वीर बिगाड़ी किसने? कातिलों से वफा की, इंसाफ की उम्मीद रखते हो? यानी इतनी बड़ी आबादी और आज जलालत का आलम यह कि जो चाहे वो रौंद दे जूतों से मेरी औलादों को। हम सिर्फ बेबसी पर मातम कर रहे हैं। बचा सकते हो तो अपनी नस्लों को बचा लो, बचा लो। बचा सकते हो तो अपनी मस्जिदों के मीनारे बचा लो, बचा सकते हो तो अपनी बेटियों की गैरत और इज्जत दोनों बचा लो। और उसका एक ही तरीका बच गया है, एक ही रास्ता बचा है, वो है कलम, वो है कलम। बलिया भी तो साहब कहता, मुझे खंजर से भी मारा गया, मुझे कलम से भी मारा गया। अगर कलम से न मारा गया होता तो आज मेरे यहां मेरे बच्चे सिर्फ लेदर की कुर्सी और डायरी और बेल्ट नहीं बनाते होते। आज मेरे बच्चों के हाथ में भी इंसाफ का कलम होता। लेकिन अफसोस है मौलाना, अल्लामा मुशर्रफ साहब, मैं उस वक्त एमपी था, दिल्ली जा रहा था राजधानी में। गौर से सुन सकते हो और अपनी जमीर की आवाज सुन सकते हो तपशिया वालों, तो सुन लेना। सुन लेना,
दिल्ली जा रहे थे कानपुर में, सबको पता था कि कानपुर में बलियावी को पेपर चाहिए तो चाहिए। यूपी के अखबारात कानपुर में बलियावी को चाहिए। पावर यूज कैसे होता है वो एक मौलवी और आलिम ही जान सकता है। वो क्या जाने जो रात को शराब पी के सोता हो। अपने उन रहनुमाओं से उम्मीद मत रखना कि मस्जिदों पर बुलडोजर चले तो वो छाती तानेगा। बुलडोजर चलेगा अगर मस्जिदों के मीनारों पर तो वो दारू पी के सोया तो मिलेगा, सड़क पे नहीं मिलेगा। हाँ, सड़क पर अमामे को कफन बांध कर कोई मिलेगा तो मेरा आलिम ही मिलेगा। एक जिस्म को सही फंक्शन में लाने के लिए मुफ्ती साहब दो पार्ट का सही रहना जरूरी, एक दिमाग एक दिल। ठीक बोल रहा हूं? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। दिल डैमेज हो और सिर्फ दिमाग हो तो क्या वो किसी चीज का इंप्लीमेंट कर सकेगा? और दिल बहुत ठीक हो दिमाग खराब हो तो क्या अपने बस अपने बच्चों के मुस्तकबिल का कोई नक्शा बना पाएगा? नहीं। मेरी कौम का भी दो पार्ट है। एक की हैसियत दिमाग की है, एक की हैसियत दिल की है। तवज्जो चाहूं सुन लो आज ये गुफ्तगू, फिर कहीं नहीं मिलेगी। जो दिमाग का तेज है वो दिल का कमजोर है, और जो दिल का बहुत मजबूत है उसके पास दिमाग नहीं है। अगर दिमाग होता तो वो कानून हाथ में नहीं लेता, काम कर जाता, कानून हाथ में नहीं लेता, मिशन पूरा कर लेता, कहीं से मुजरिमों की लिस्ट में नाम नहीं आ पाता। मेरी कौम इस वक्त इसी चौराहे पर खड़ी है कि जिनके पास दिमाग है उनके पास दिल नहीं है, और जिनका दिल मजबूत है उसके पास दिमाग नहीं है। और इदारी शरिया की तहरीक का मिशन यही है कि अच्छे दिमाग को मजबूत दिल को दोनों को एक जगह कर दो। नक्शा दिमाग बनाएगा, नाफिज उसको दिल करा लेगा। बस आखिरी जुमला अर्ज कर दो, बचा सकते हो तो अपनी नस्लों को बचा लो। जैसे ही राजधानी कानपुर पहुंची, नॉक किया, कोच सुपरिटेंडेंट लेकर आया, बोला सर पेपर आ गया। मैंने कहा रात को तकरीबन 3:30 बज रहे थे। मैंने पूछा चाय मिलेगी? बोला सर वो तो हम बना के रखे हैं, मुझे मालूम है कि कानपुर में पेपर चाय चाहिए। कर लिया। अगर ये फरियाद सुन सकते हो और कुछ करने की हिम्मत है तो आज सिर्फ गरीब नवाज की बज में तकरीर सुनकर मत जाओ। आहद करके जाओ कि सुबह से हम अपनी जिंदगी का सूरज बदलेंगे। कोच अटेंडेंट्स पेपर देखकर मेरा चेहरा देख रहा, अचानक बोल पड़ा सर आप इतना उदास क्यों हो गए? मैंने कहा कुछ नहीं, जाओ तुम चाय लाओ। मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहा था। अखबार की पहली हेडिंग बनी थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान टाइम्स में, टेलीग्राफ में, द पाइनियर में, दैनिक में, हिंदुस्तान में सबकी पहली हेडिंग थी बनारस का रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईएएस बन गया। मैं सोचते रहा काश अखबार ये लिखा होता
कि मुर्गी की दुकान खोलने वाले अब्दुल्ला का बेटा आईएस बना है। मैं पूछता हूं मेरी कौम का जवान, तू बता मुझको, बाप दादा ने जो विरासत छोड़ी है इसकी हिफाजत कौन करेगा? हम करेंगे। कैसे करेंगे? जाहिलों की फौज से उस विरासत की हिफाजत नहीं हो सकती, शराबियों की भीड़ से उस विरासत की हिफाजत नहीं हो सकती, औलाद बेचने वाले गरोह से उस विरासत की हिफाजत नहीं हो सकती, अकीदत के नाम पर 100 देग बिरयानी लुटा देने वालों से उस विरासत की हिफाजत नहीं होगी। तब बलिया भी कहता है मेरे गौस आजम से अकीदत है ना, तो 100 देग मेरे गौस के नाम की बिरयानी मत बना, मत बना। मेरे ख्वाजा से मोहब्बत है ना, तो मेरे गरीब नवाज के मजार पे 2 लाख की चादर मत चढ़ा, मत चढ़ा। अरे अगर तेरा दिल साफ है तो तू जो अजमेर जा मत जा, अगर इश्क सच्चा है तो तुझे देखने मेरा ख्वाजा रोज आएगा।